हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सव्यसाची क्लासेस। टुडे इन दिस वीडियो वी शैल स्टडी सेजेस बुक क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 यूज ऑफ ब्रैकेट्स एंड इट्स एक्सरसाइज 5.2। इफ यू वांट टू स्टडी मोर बुक्स ऑफ स्वामी आत्मानंद एक्सेलेंस इंग्लिश मीडियम स्कूल देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट क्लास। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो एक्सरसाइज 5.2 इज गिवन हियर एंड क्वेश्चन इज गिवन सॉल्व द फॉलोइंग। नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको हमको सॉल्व करना है। सो ये जो ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एक रूल को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन हैं वो उसी रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व होते हैं और उस रूल का नेम है बोडमास रूल। इसमें ये जो बोडमास वर्ड है उसके हर एक लेटर का एक मीनिंग होता है, जिसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। बी का मीन्स होता है ब्रैकेट, O का मीन्स होता है ऑफ, D का मीन्स होता है डिवीजन, M का मीन्स मल्टीप्लाइकेशन, A का मीन्स एडिशन एंड S का मीन्स सब्सट्रैक्शन। और इसी ऑर्डर में ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। पहले ब्रैकेट्स के इनसाइड का सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाइकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो इस वर्ड बोडमास को आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इसका यूज होगा। सो फर्स्ट इज गिवन 2a+4 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट a+5b। सो बोडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट के इनसाइड का सॉल्व होगा और ब्रैकेट के इनसाइड में है a+5b। बट यहाँ पे b और a दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। और यहाँ पे ऑफ नहीं है और ना ही डिवीजन है, तो उसके बाद मल्टीप्लाइकेशन होगा। सो यहाँ पे 4 और इस ब्रैकेट के बीच में है मल्टीप्लाई। सो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो 4 का मल्टीप्लाई पहले ए से होगा, फिर +5b से। सो इसको हम लिखेंगे 2a प्लस, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 4 का मल्टीप्लाई ए से, तो ये होगा 4a, फिर ये प्लस का मार्क और फिर 4 का मल्टीप्लाई 5b से होगा, तो ये हो जाएगा 5×4=20b। अब यहाँ पे a वाले दो वेरिएबल्स हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो 2a में 4a ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 6a। सो 6a+20b इसका आंसर होगा। सेकंड इज गिवन इन ब्रैकेट 3a -4b -2b। सो यहाँ पे ब्रैकेट के इनसाइड में है 3a -4b, बट यहाँ पे भी a और b अलग अलग वेरिएबल्स हैं, सो ये माइनस नहीं होंगे। और यहाँ पे ना ही ऑफ है, ना ही डिवीज़न, ना ही मल्टीप्लाइकेशन और ना ही एडिशन, तो इसको हम सेम टू सेम लिख लेंगे। सो ये होगा 3a -4b और फिर ये -2b। अब यहाँ पे -4b और -2b सेम वेरिएबल्स हैं और दोनों माइनस में हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे और इनके लिए साइन होगा वो माइनस में होगा। सो ये होगा 3a और -4b और -2b दोनों ऐड होकर हो जाएंगे -6b। सो 3a -6b इसका आंसर होगा। थर्ड इज गिवन इन ब्रैकेट 4x+3 माइनस इन ब्रैकेट 2x+3। सो इसमें दो ब्रैकेट्स हैं, सो दोनों ब्रैकेट्स का अलग अलग पहले सॉल्व होगा। सो इस ब्रैकेट में है 4x+3 और यहाँ पे एक वेरिएबल है और एक होल नंबर, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। और इसमें भी एक वेरिएबल है और एक होल नंबर, तो ये भी ऐड नहीं हो सकते, तो इनको हम ब्रैकेट हटा के सेम टू सेम लिख लेंगे। सो 4x+3। अब यहाँ पे माइनस का मार्क है और इस माइनस का मल्टीप्लाई है इस पूरे ब्रैकेट से, सो ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस मार्क का मल्टीप्लाई पहले 2x से होगा और फिर +3 से। सो माइनस का मल्टीप्लाई 2x से होगा, तो ये होगा -2x और फिर माइनस का मल्टीप्लाई +3 से। सो माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये होगा -3। अब इनमें वेरिएबल्स और होल नंबर्स ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। सो 4x प्लस में है और 2x माइनस में, तो 4x में 2x माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 2x। और 3 प्लस है और 3 माइनस, तो ये दोनों प्लस माइनस से क्रॉस हो जाएंगे, सो 2x इसका आंसर होगा। फोर्थ इज गिवन 2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 5x+3 -4x+2। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट के इनसाइड का सॉल्व करेंगे, तो ये है 5x+3 -4x+2। तो सेम वेरिएबल्स हैं, वो ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे और होल नंबर्स भी ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। सो सबसे पहले हम लोग 2 को वैसा ही लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट, और फिर 5x में 4x माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा x, और प्लस 3 और प्लस 2 दोनों ऐड होकर हो जाएंगे प्लस 5। अब ये वेरिएबल्स और होल नंबर में मिल गया तो ये तो ऐड नहीं हो सकते, तो हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई पहले x से होगा, फिर प्लस 5 से, तो 2 का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये होगा 2x, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई प्लस 5 से तो ये होगा 2×5 = 10 और ये प्लस में रहेगा, सो 2x + 10 इसका आंसर होगा। फिफ्थ इज गिवन 30 - 15 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 4x - 2y। सो यहाँ पे ब्रैकेट के इनसाइड में है 4x - 2y और ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, सो ये माइनस नहीं हो सकते। सो ये ब्रैकेट हटेगा तो -15 का मल्टीप्लाई पहले 4x से होगा और फिर -2y से, सो 30 को हम सेम टू सेम लिख लेंगे और फिर -15 का मल्टीप्लाई 4x से होगा तो ये होगा 15×4 = 60x और ये माइनस में रहेगा, सो -60x, और फिर -15 का मल्टीप्लाई -2y से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस का मार्क, और फिर यह होगा 15×2 = 30y। सो 30 - 60x + 30y इसका आंसर होगा। सिक्स्थ इज गिवन 4.5 + 2.5 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 3.5 + 8.5। सो यहाँ पे ब्रैकेट के इनसाइड है 3.5 + 8.5, सो इसको हम ऐड कर सकते हैं, सो ये होगा 4.5 + 2.5, फिर ब्रैकेट के इनसाइड इनको ऐड कर लेंगे, तो 5 + 5 = 10, 10 का 0 कैरी 1, फिर ये पॉइंट लगेगा, और फिर 8 और 3 हो जाएगा 11 और 11 में कैरी 1 ऐड होगा तो ये होगा 12। अब फिर इसमें से ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई होगा, सो ये होगा 4.5 + 2.5 का मल्टीप्लाई होगा 12 से। अब यहाँ पे 12.0 लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, सो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेंगे 4.5 +, फिर ये होगा 12×5 = 60 का 0 कैरी 6 और ये पॉइंट के प्लेस में पॉइंट, फिर 12×2 = 24 और 24 में 6 कैरी ऐड होगा तो ये होगा 30, फिर इसको ऐड करेंगे, तो 5 और 0 ऐड होगा तो ये होगा 5, फिर पॉइंट के प्लेस में पॉइंट, और 30 में 4 ऐड होगा तो ये होगा 34, तो 34.5 इसका आंसर होगा। सेवेंथ इज गिवन 12.8 - 3.2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 4 - 2.8। सो यहाँ पे ब्रैकेट के इनसाइड है 4 - 2.8, तो सबसे पहले 4 में माइनस होगा 2.8, तो इसको हम लिख लेंगे 12.8 - 3.2। अब यहाँ पे 4 होल नंबर है और ये डेसिमल नंबर है, तो हम 4 को भी डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.0, बिकॉज हम किसी भी होल नंबर में पॉइंट के बाद 0 लगा के उसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, और फिर ये माइनस का मार्क, फिर ये 2.8, फिर ये होगा 12.8 - 3.2, और फिर ब्रैकेट के इनसाइड में इनको माइनस करेंगे, तो ये है 0, इससे 1 लेंगे, 10 में 8 माइनस करेंगे बचेगा 2, फिर ये पॉइंट के प्लेस में पॉइंट, और फिर इससे 1 लिए थे तो यहाँ पे बचा है 3, और 3 में 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, फिर ये होगा 12.8 -, अब इसमें से ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का मार्क लगेगा, तो -3.2 × 1.2, फिर यह होगा 12.8, और इन डेसिमल्स को इजी ट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करने के लिए हम इनको सबसे पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेंगे, सो -3.2 को हम लिख सकते हैं 32/10, बिकॉज पॉइंट के बाद में जितना डिजिट रहता है उसको 1 के साथ 0 लगा के लिख सकते हैं, सो इसको लिख सकते हैं 32/10, फिर ये मल्टीप्लाई का मार्क, और 1.2 को लिख सकते हैं 12/10, बिकॉज इसमें भी पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, तो नीचे में 1 के साथ 10 रहेगा, फिर ये होगा 12.8, फिर ये माइनस का मार्क, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 12×2 = 24 का 4 कैरी 2, एंड 12 3 36 और 36 में कैरी 2 को ऐड करेंगे तो ये होगा 38 अपॉन 10 10 100। फिर ये होगा 12.8 माइनस, अब इसको फिर से डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 के साथ 20 है, सो न्यूमरेटर में हम राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो ये होगा 3.84। अब यहाँ पे ये दोनों डेसिमल फॉर्म में मिल गए बट यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है 8 और इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, सो इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स के लिए हम इसमें एक ज़ीरो लगा देंगे तो ये होगा 12.80 माइनस 3.84। अब इसको हम माइनस कर सकते हैं सो इससे बन लेंगे, ये होगा 10 और 10 में 4 माइनस करेंगे बचेगा 6। अब यहाँ पे बच जाएगा 7 और 7 में 8 माइनस नहीं कर सकते सो इससे लेंगे 1, ये हो जाएगा 17। 17 में 8 माइनस करेंगे बचेगा 9। फिर ये पॉइंट के प्लेस में पॉइंट और यहाँ पे बचा है 11। फिर 11 में 3 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 8, तो 8.96 इसका आंसर होगा। 8th इज गिवेन 8a + 3 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 5a + 6b माइनस 3। सो इसमें ब्रैकेट के इन साइड में है 5a + 6b माइनस 3 और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है सो ये ऐड नहीं हो सकता। सो यहाँ पे हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई होगा इन सब से, सो ये होगा 8a, फिर इस +3 का मल्टीप्लाई 5a से होगा तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15a और ये प्लस में रहेगा। फिर +3 का मल्टीप्लाई +6b से होगा तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18b और ये भी प्लस में रहेगा। फिर इस +3 का मल्टीप्लाई -3 से होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा और 3 3 जा 9। अब इसमें जो सेम वेरिएबल्स हैं वो ऐड हो जाएंगे सो 8a में 15a ऐड होगा तो ये हो जाएगा 23a, फिर ये +18b, फिर ये -9, तो 23a + 18b -9 इसका आंसर होगा। 9th इज गिवेन 3/4 + 11/19 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 6/11 प्लस 7/22। किसी किसी बुक में ये डबल प्रिंट हो गया है, ये एक बार ही रहेगा। अगर आपके भी बुक में ये डबल प्रिंट हुआ हो तो आप इसे सुधार कर लिखिए, ये 1 टाइम ही रहेगा। सो यहाँ पे ब्रैकेट के इन साइड में है 6/11 प्लस 7/22, तो सबसे पहले इनको ऐड कर लेंगे तो ये होगा 3/4 प्लस 11/19, फिर ये ब्रैकेट और इनको ऐड करेंगे तो 11 और 22 का सबसे पहले एलसीएम लाएंगे तो 11 और 22 का एलसीएम होगा 22। आप अलग से इनका एलसीएम ला सकते हैं। फिर इस डिनोमिनेटर 11 से 22 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 11 2 जा 22 और उस 2 का मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो ये 6 मल्टीप्लाई 2, फिर ये प्लस का मार्क। फिर इस डिनोमिनेटर 22 से 22 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 22 1 जा 22 और उस 1 का मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो 7 मल्टीप्लाई 1। फिर ये होगा 3/4 प्लस 11/19 और फिर ब्रैकेट के इन साइड में होगा 6 2 जा 12 प्लस 7 1 जा 7/22। फिर ये होगा 3/4 प्लस 11/19 और ब्रैकेट के इन साइड में 12 + 7 = 19/22। फिर ये होगा 3/4 प्लस, अब इसमें से ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का मार्क लगेगा सो 11/19 मल्टीप्लाई 19/22 और फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो ये 19 से ये 19 क्रॉस हो जाएगा और फिर ये होगा 11 1 जा 11 एंड 11 2 जा 22, सो ये होगा 3/4 प्लस 1/2। अब फिर यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम लाएंगे तो 4 और 2 का एलसीएम होता है 4, फिर इस 4 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 4 1 जा 4 और उस 1 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये होगा 3 1 जा 3, फिर ये प्लस का मार्क। फिर इस 2 से डिवाइड करेंगे इस 4 को तो ये होगा 2 2 जा 4 और उस 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 1 जा 2 अब इनको ऐड कर लेंगे तो यह होगा 3 + 2 = 5 अपॉन 4, और इस 5/4 को हम मिक्सड फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 4 × 1 = 4, 5 में 4 माइनस करेंगे बचेगा 1, सो 1/4, सो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। सो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज 5.2 इज कंप्लीटेड। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी शैल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.3। so now subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class, and if this video is helpful for you then don't forget to like this video.